तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम फॉब की के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारी बजाज चेतक के साथ हमें स्मार्ट की कह सकते हो, या जो बजाज ने नाम दिया है फॉब की, FOB की। आज हम उसके साथ सारी की सारी टेस्टिंग करेंगे। अगर आपकी चाबी डिक्की में लॉक हो जाए, बूट में लॉक हो जाए, फ्रंट बूट में लॉक हो जाए, या फिर वो अगर आप चेतक चलाते समय कहीं पे चाबी भूल जाओ तो क्या होगा, तो आज हम वही सब चीजें देखेंगे, सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स कर डालेंगे फॉब की के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब तो अगर चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार वो सब्सक्राइब बटन को दबा दो, उसको लाल कर दो दबा के। बाकी चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम टेस्ट करेंगे अपनी फॉब की के साथ, वो ये है कि अगर हम स्कूटर को स्टार्ट करके अपनी फॉब की कहीं पे भूल जाएं और बिना फॉब की के स्कूटर चलाते जाएं तो उससे क्या होगा, तो अभी हम ये देखने वाले हैं। तो ये मैं अपने स्कूटर पे बैठ गया हूँ, क्योंकि बिना फॉब की के ये स्टार्ट नहीं होगा, तो इसलिए पहले स्टार्ट करने के लिए मैंने चाबी रखी है। अभी मैं इसको ड्राइव मोड पे डाल दिया है और अब ये देखो मैंने चाबी पकड़ा दी और अब मैं बिना चाबी के निकल जाऊँगा। तो अभी मैं स्कूटर लेके आगे निकल गया हूँ काफ़ी, तो अभी मुझे डर भी लग रहा था कि अगर रास्ते में स्कूटर बंद हो गया या कुछ प्रॉब्लम आ गई तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अभी बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की। तो देखते हैं, अभी अभी मैं रुकूंगा कहीं पे, अपने घर से थोड़ी सी दूर रुकूंगा और वहाँ पे मैं जाके अपना साइड स्टैंड लगा दूंगा। अभी आप देखो, तो अभी मैं अपने घर से थोड़ा सा पीछे रुक चुका हूँ और ये देखो मैं अपना साइड स्टैंड मैंने जैसे ही लगाया तो अपना स्कूटर न्यूट्रल पे चला गया, और फॉब की अब तक अपने पास नहीं है तो न्यूट्रल पे जाएगा। तो अब हम इसको ड्राइव मोड पे डाल के देख रहे हैं, पर ये ड्राइव मोड पे नहीं जा रहा, इसमें एरर शो हो रहा है, नो फॉब नो FOB। मतलब ये है कि अगर आपका स्कूटर कहीं पे चला गया है बिना चाबी के, कोई चला के ले गया है और चाबी भूल गया आपके पास, तो बस आपको यही कहना होगा कि स्कूटर को किसी भी हाल में न्यूट्रल नहीं होने देना है, बाकी उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अब देखो, अब अपने पास चाबी आ गई है वापस, और अब हम इसको ड्राइव पे डालेंगे और ये ड्राइव पे चला जाएगा और बस अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और इसके बाद है सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, वो है कि अगर भैया आपकी चाबी बूट में लॉक हो गई तो फिर क्या ही होगा। तो अभी हमने अपना बूट स्पेस खोला और चाबी को अंदर रख दिया और अभी हम बूट को बंद कर देंगे और ये अपना बूट अच्छे से बंद हो गया है। तो अभी देखो, चेक कर लो, बूट बंद है अच्छे से। और अब हम इसको ड्राइव मोड पे डाल के देखेंगे। ये पहले मैं साइड स्टैंड हटा दूंगा इसका, क्योंकि बिना साइड स्टैंड हटाए ये ड्राइव मोड पे नहीं जाएगा। तो साइड स्टैंड हटाया और ड्राइव मोड पे डाला और ये ड्राइव पे आ गया है और ये चलने लगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चल रहा है। और अभी हम देखेंगे कि अपनी चाबी का क्या होगा। तो मैंने इसको स्टैंड लगाया और अभी बूट ओपन कर रहा हूँ नॉर्मली जैसे होता है, तो बूट ओपन हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई, और अपनी चाबी अंदर से जैसे भी निकाल लो। तो इसका मतलब आपकी चाबी 1 मीटर की रेंज में होनी चाहिए, चाहे आप बूट में रखो चाहे फ्रंट बूट में रखो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मीटर की रेंज में आपके सब बटन्स काम करेंगे, पूरा स्कूटर नॉर्मली वैसे ही काम करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद हम FOB की रेंज टेस्ट करेंगे। तो हमें चाबी पे एक बटन दे रखा है जिसको दबाने से अपने चेतक की इंडिकेटर की लाइट्स आगे की और पीछे की दोनों फ्लैश करती हैं। तो हम ये देखेंगे कितनी दूर से ये फ्लैश करेंगी, कितनी देर, कितनी दूर तक ये चाबी रेंज में रहेगी। तो इससे आपको ये हेल्प मिल सकती है कि अगर आपका स्कूटर कहीं पार्किंग में खड़ा है, कहीं दूर खड़ा है, तो आप इससे थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हो कि आपका स्कूटर किस साइड पे। तो ये देखो मेरे राइट साइड पे घर है, तो मैं आपको आइडिया से बता सकता हूँ, सबका फ्रंट 32 या 33 फीट के अराउंड है। तो मैं करीब करीब 3 घर पीछे जा चुका हूँ, जो कि हो गया 99 फीट, और मैं 99 से भी थोड़ा और पीछे चला गया था, मतलब 100+ फीट आगे चला गया था, फिर भी वो रेंज कैच कर रहा था। वो शायद इसलिए क्योंकि आजू बाजू कुछ नहीं था, एक ही व्हीकल खड़ा था और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मैंने चाबी पकड़ रखी थी। तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत वेरी कर सकती हैं, पर ये जो आपके सामने हो रहा है
अगर मैं सीधा चेतक के सामने, चाबी मेरी 100 फीट से ज़्यादा पीछे जा रही है, तब भी वो चेतक को डिटेक्ट कर पा रही है, तब भी उसकी लाइट ब्लिंक कर रही है। तो ये मैं अपनी स्ट्रीट के एंड में आ चुका हूँ, तो इससे पीछे मैं नहीं जा सकता। तो ये करीब करीब 104-105 फीट हो गए। और इसके बाद अब हम देखेंगे कि हमारी चाबी चेतक से कितनी दूर होनी चाहिए या कितनी पास होनी चाहिए जिससे कि अपना चेतक स्टार्ट हो जाएगा। तो ये करीब करीब 5 कदम दूर मैंने अपनी चाबी को रख दिया है, आप देख सकते हैं। तो गिन के ये 5 कदम थे। और अब मैं चेतक को स्टार्ट करने का ट्राई करूँगा, ड्राइव मोड पे डालने का ट्राई करूँगा, तो देखते हैं। तो मैंने दबा दिया है अनलॉक बटन, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, स्क्रीन पे कुछ नहीं हो रहा है। तो अगर हमारी चाबी 5 कदम दूर है तो अपना चेतक स्टार्ट नहीं होगा। और उसके बाद अब मैं चाबी को थोड़ा और नज़दीक रखूँगा, ये करीब 2.5 से 3 कदम दूर मैंने अब चाबी को रख दिया है अपनी कार के ऊपर। आप देख सकते हैं अभी भी बारिश हो रही है। तो अभी देखते हैं कि 3 कदम दूर से अपना चेतक स्टार्ट होता है या नहीं। तो ये मैं बैठ गया हूँ, मैंने साइड स्टैंड हटा दिया है, और ये अभी 3 कदम दूर से भी अनलॉक नहीं हो रहा है। मतलब स्क्रीन पे कुछ भी लाइट नहीं आ रही है, तो ऐसे भी नहीं होगा। और अब हम चाबी को थोड़ा और पास रखेंगे, फिर देखते हैं। अब मैं चाबी उठा के बिल्कुल चेतक के सामने, गाड़ी से 1 कदम दूर मेरी चेतक खड़ी है, और गाड़ी बिल्कुल सामने चेतक के साइड में मैंने रख दी है चाबी, बिल्कुल राइट में। और अभी हम देखेंगे, और इतने में इसने डिटेक्ट कर लिया। तो देख सकते हैं बहुत ही कम गैप है मेरे चेतक में और मेरी कार में। तो इतनी दूर तक अगर आपकी चाबी होगी तो आपका चेतक उसको डिटेक्ट कर लेगा और स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप चेतक के 1 कदम दूर खड़े हैं और चाबी आपकी जेब में है, तो आपका दोस्त पीछे से आपकी चेतक को उड़ा के लेके जा सकता है बिना चाबी के भी। पर उसके बाद अगर न्यूट्रल पे एक बार आ गया तो फिर FOB के बिना कुछ नहीं होगा। और इसी तरह से एक लास्ट बार फाइनल मैंने फ्रंट जो अपनी स्पेस दे रखी है, फ्रंट सेक्शन है चेतक का, उसमें भी चाबी रख के देखी। तो उसमें भी वैसे ही बूट की तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फ्रंट में चाबी रखो, चाहे बैक स्पेस में, बैक बूट स्पेस में चाबी रखो, चाहे अपनी जेब में डालो, बस आपकी चाबी अगर 1 मीटर की रेंज में है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कैसे भी स्कूटर को न्यूट्रल करो, ड्राइव पे करो, अपनी बूट स्पेस ओपन करो, फ्रंट स्पेस ओपन करो, कुछ भी करो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यही था यार आज की वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आपके और कोई डाउट्स हैं, अगर और कोई आप चीज़ देखना चाहते हो बजाज रिलेटेड, बजाज चेतक के रिलेटेड, कोई भी एक्सपेरिमेंट, कोई भी डाउट आपका हो, तो वो आप कमेंट में बता सकते हो, और हम लोग वो करेंगे और आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। फिलहाल वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच, और आई होप आपने वो सब्सक्राइब बटन अब तक दबा दिया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना। थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।